हेलो दोस्तों, आज जानेंगे इस प्रकार से वीडियो फोटो एडिटिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले इस फोटो को आपको स्नैपसीड में ओपन कर लेना होगा। स्नैपसीड में ओपन हो जाने के बाद आपको टूल वाले ऑप्शन में जाना होगा। टूल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ट्यून इमेज पे जाना होगा। ट्यून इमेज जाने के बाद आपको एम्बियंस को आपको एम्बियंस को 1550 के अराउंड 50 के आसपास रख लेना होगा। हाईलाइट को -20 के आसपास रख ले। शैडो को बढ़ा के आप 50 के आसपास रख ले, और चाहे तो अपने फ़ोटो के हिसाब से आप रख सकते हैं। और उसके बाद से इतना सब करने के बाद आपको सिंपली सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सही वाले ऑप्शन करने के बाद आपको फ़ोटो में फ़र्क पता ही चल गया होगा, कितना लाजवाब लाइट आ गया। फिर से टूल टूल वाले ऑप्शन पे जाना होगा। टूल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सेलेक्टिव टूल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको फेस के ऊपर प्रेस करके आपको और जूम करके और फेस का ब्राइटनेस है जो बढ़ा लेना होगा, और जहाँ जहाँ आपका शेडो है वहाँ पे क्लिक करके आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा। हाथ पे या फेस पे कहीं भी हो आप बढ़ा लीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी तो आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमको मोटिवेट मोटिवेट होते हैं आपके लाइक से, कमेंट से। डन करने के बाद आपको फिर से टूल वाले ऑप्शन में जाना होगा। टूल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है टोटल कंट्रास्ट। टोटल कंट्रास्ट में जाना है आपको। टोटल कंट्रास्ट में जाने के बाद आपको हाईलाइट जो टोन है वो 15 के अराउंड कर देना होगा, और जो मीडियम टोन है वो 25 के आसपास रख देना होगा। 25 के अराउंड रख देना होगा, और जो लो टोन है उसको बढ़ा के 50 के अराउंड या 60 के अराउंड रख देना होगा। उसके बाद से हम जाएंगे प्रोटेक्ट शैडो। प्रोटेक्ट शैडो को आपको 15 के आसपास और प्रोटेक्ट हाईलाइट को भी 15 के आसपास रख देना होगा, और उसके बाद से देन सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और इस फोटो को हम शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप में। इस फोटो को लाइटरूम ऐप में ओपन हम लोग करेंगे। लाइटरूम ऐप में ओपन करने के बाद लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रास्ट +12 कर देना होगा, और हाईलाइट को -50 के आसपास आपको रख देना होगा, -50 के अराउंड। और उसके बाद से शेडो को आपको बढ़ा के 60 के आसपास रखना होगा, और उसके बाद से ब्लैक को भी बढ़ा देना होगा 30 के आसपास, और ब्लैक को भी 25 या 30 के बीच में आपको रख देना होगा। और उसके बाद से कलर वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। कलर वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको वाइब्रेंस वाइब्रेंस को 25 या 20 के आसपास रखना होगा, और फिर से आपको चलना है मिक्स टूल में। मिक्स टूल में फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो रेड का है, तो रेड वाले का सेचुरेशन आपको इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा, और लुमिनेंस को -25 या 20 कर सकते हैं, और रेड वाले का सेचुरेशन आप 25 या 20 30 या 30 कर सकते हैं आप या 20। उसके बाद सेकेंड नंबर है जो आपका फेस कलर है। फेस कलर के ल्यूमिनेंस हम बढ़ाएंगे। पहले ह्यू चेंज करते हैं, ह्यू +12 और सेचुरेशन -15 और ल्यूमिनेंस को आपको बढ़ा के 60 के आसपास या 65 के आसपास आपको ल्यूमिनेंस बढ़ा लेना है। लुमिनेंस बनाकर थर्ड नंबर आपको जो
है उसको ह्यू को आपको पूरा 100% इंक्रीज करके सेचुरेशन -20 35 कर देना है, और जो हरा वाला है उसको भी आपको ह्यू -46, और उसको सब ब्लू आ जाएंगे, नीला को इंक्रीज कर देना है सिचुएशन, उसको बढ़ा के 100% कर देना है, और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सब सिचुएशन दोनों का सिचुएशन कम कर देंगे -100, उसके बाद से डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको जाना है और इस क्लियरिटी आपको 17% कर देना होगा इफेक्ट में जाने के बाद। उसके बाद है डिटेल में जाना है आपको, डिटेल में जाने के बाद आपको शार्पनिंग 60 के अराउंड या 65 के अराउंड आपको रख देना है, और नॉइस रिडक्शन को आपको 15 के आसपास रख लेना है, और कलर नॉइस रिडक्शन को आपको 20 या 25 के बीच में रखना होगा। उसके बाद से हम लोग इसको शेयर करेंगे आडोबी स्केच बुक में। ऑटो स्केच बुक में आपको जाने के बाद आपको फेस स्मूथ करना नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। आपको जानना है इस वाले टूल पे, और जो स्मज है स्मज वाले ऑप्शन पे जो ब्रश ब्रश है उस पे आपको जाना है, इस वाले ब्रश पे, इस वाले ब्रश के सेटिंग पे जाने के बाद आपको सेटिंग इसका करना है। सेटिंग आपको फ्लो आपको 2% और स्ट्रेंथ आपको 4% रख के, और जो इसका साइज है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, और तब तो अपने फेस को स्मूथली राउंड राउंड ब्रश करके आपको चलाना है। फेस स्मूथ आपको नहीं आता तो हमको कमेंट कीजिए, हम अगला वीडियो फेस स्मूथ का ही बना देंगे। तो सर चलिए हम लोग फेस स्मूथ पहले कर लेते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो हमारा अगला वीडियो आया तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए आपके पास। तो जल्दी जल्दी फेस को पहले स्मूथ कर लेते हैं। अपने फेस पे जूम करके हल्का हल्का आपको ब्रश को प्रेस करना है, क्योंकि फेस पे अच्छी तरह से फेस स्मूथ हो, और जहाँ जहाँ आपका जो है स्किन वहाँ आपको ब्रश को चलाना होगा। ब्रश चलाने के बाद देखिए हमारा सब फेस पूरा स्मूथ हो गया, और उसके बाद से हम इस पर क्लिक करके आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गैलरी वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेव करंट स्केच में। उसके बाद आपको भेजना है टूल विज ऐप में, जहाँ आपका फेस ऑयल पेंट जैसा इफेक्ट आ जाए। टूल विज में जाने के बाद आपको टूल व्यू में आपके जानने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर स्मज जो है उस पर क्लिक करना है। स्मज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपको चौथा वाला दिख रहा है चौथा वाले पर क्लिक करना है। चौथा वाले पर क्लिक करने के बाद आपको पेंट ऑयल पेंट अप्लाई हो जाएगा, और फिर से मास्क पे आपको जाना है। मास्क जाने पर आपको सबसे लास्ट वाला आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको ब्रश का साइज छोटा कर लेना होगा। ब्रश साइज छोटा करने के बाद आपको कट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। कट वाले क्लिक करने के बाद उसको आपको जूम करके अपने आँख से और नाक से और ओट से थोड़ा थोड़ा हटा लेना होगा, जो आपको फेस क्लियर दिखाई दे, अच्छा लगे सब जगह, और कान पे भी
थोड़ा थोड़ा हटा लेना होगा इस इफ़ेक्ट को, जिससे आपको अब फोटो है वो शार्पनिंग दिखे, शार्प दिखे। उसके बाद से सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, जो आपका फ़ोटो सही हो जाएगा। और फिर से ये इस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको फ़ोटो से को सेव करना होगा। फ़ोटो पूरा 100% PNG कर दीजिएगा और फिर से तब सेव कर दीजिएगा, HD क्वालिटी में आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। और फिर से इसको ले चलते हैं स्नैपशीट में। उसके हो जाने के बाद स्नैपशीट में जाएंगे। स्नैपशीट में जाने के बाद आपको सेलेक्टिव टूल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। सेलेक्टिव टूल वाले ऑप्शन के फेस पे आपको रख के जहाँ ब्लैक आपको दिख रहा होगा शेडो, वहाँ पे क्लिक करके आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा। ब्राइट इतना करने के बाद आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डिटेल्स में जाना होगा। डिटेल्स में जाने के बाद आपको स्ट्रक्चर को पूरा 25 या 35 के आसपास रख लेना होगा। उसके बाद से शार्पनिंग को आपको 50 के आसपास रख लेना होगा। 15 के आसपास रखने के बाद आपको देख सकते हैं फ़ोटो में क्लियरिटी। आपको हम फ़ोटो दिखा देते हैं, देखिए फ़ोटो फ़ोटो में क्लियरिटी कितनी आ गई, चमक। इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।